राजधानी भोपाल से खबर, जहां बावड़ियों, कुएं और खुले बोर के संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान अब सख्त हैं। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, खुले बोर मिले तो तत्काल कार्रवाई करेंगे। इंदौर में हुई हृदय विदारक घटना के बाद इस तरीके का निर्णय लिया गया है। फिर ऐसी घटना ना हो उसे रोकने के संपूर्ण उपाय कीजिए। जिले में ऐसे कुएं और बावड़ियों को चिन्हित किया जाए, गंभीरता के साथ सूची बना लें। पुराने कुएं बावड़ी कहां कहां थे इस बारे में जानकारी जुटाएं। गंभीरता के साथ इस मुद्दे को ले आबादी वाले क्षेत्रों की चिंता करें। खुले हुए बोर की भी सूची बनाए, कहीं खुले तो नहीं है। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, ये जो हाल ही में इंदौर में बड़ा मामला हुआ जहां बावड़ी धस गई और कई लोगों की मौत हो गई है, उस दौरान भी जब निरीक्षण करने घटनास्थल पर मौके पर सीएम पहुंचे थे तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था कि अब अगर कोई भी बावड़ी खुलती है, कुआं खुला होता है, चाहे वो निजी हो या किसी का भी हो, सख्त एक्शन लिया जाएगा। और एक बार फिर सख्त नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, कई बार हमने देखा है कि जो बोर खुले होते हैं उनमें बच्चे गिर जाते हैं और फिर एक छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन जाती है। लेकिन यहाँ तो निश्चित रूप से बहुत गड़बड़ हुआ है। यदि हम इंदौर हादसे की बात करें, बाकायदा वहां रोका भी गया था, लेकिन वहां के संबंधित जो ट्रस्ट के लोग थे उन्होंने उसको किसी दूसरे रूप में प्रस्तुत कर दिया और वो हुआ ये कि करीब 35 लोग उसमें मारे गए। तो बहुत ही दुखद घटना थी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर उस दिन भी कहा था और आज तो निर्देश ही जारी कर दिए हैं कि मध्य प्रदेश में कहीं भी कुएं, बावड़ी या फिर इस तरह के कोई गड्ढे खुले दिखते हैं तो उन पर तत्काल कार्रवाई कीजिए, बल्कि सूचीबद्ध कर जानकारी दीजिए कहाँ कितने गड्ढे खुले हैं, आपने क्या कार्रवाई की। तो मुख्यमंत्री बहुत सख्त है, वैसे भी संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं शिवराज जी, पर कई बार हमें ये लगता है कि घटना के बाद सबक लिया जाता, बेहतर हो कि घटना से पहले ही लोग समझे, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार से ज्यादा आम लोगों की भी होती है। कहीं ऐसा कुछ दिखता है तो आप उससे दूर रहिए, या कुएं के गड्ढे खोदे जाते हैं, कई बार हम देखते हैं बोर के गड्ढे खोलकर छोड़ दिए जाते हैं, तो इसमें जिम्मेदारी लोगों की भी है। तो समझाइश भी दी गई, जागरूकता की बात भी कही गई है और अब तमाम सारी ऐसी जहां भी खुले होंगे उन पर कार्रवाई के साथ सूचीबद्ध किया जाए। बिल्कुल मनोज जी, इसके अलावा देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश तो दे ही दिए हैं, लेकिन खुद भी इंडिविजुअली भी यहाँ पर सबको एक सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि निजी कहीं ऐसे कुएं खुले होते हैं या बोर खुले होते हैं तो लापरवाही इंडिविजुअली भी लोग बरतते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वही बात मैंने भी कही कि ऐसी लापरवाही लोग ही करते हैं। अब इसमें भी कहीं ना कहीं एक लापरवाही तो थी, पहले सूचना दी गई है उसको पता ही नहीं लगा प्रशासन के लोगों को और फिर एक बड़ा घटनाक्रम सामने हो गया। बाकायदा पत्र जारी उसमें किया तो टेस्ट के लोगों ने कह दिया कि यहाँ यदि ऐसा हुआ तो तमाम हिंदू नाराज हो जाएंगे। तो कई बार हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर भी इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है और ये भी वैसे ही घटनाक्रम था इंदौर का, लेकिन इंदौर के बाद बिल्कुल सबक लिया है। में बहकर कई बार ऐसे जब घटना घट जाती है तो कुल मिलाकर हर लिहाज से बड़ा नुकसान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मैं ऐसे कुओं की बात भी कर रहा हूँ बावड़ी की, जहाँ बाउंड्री नहीं है, केवल सपाट पड़े हुए हैं। कई बार ऐसी घटना होती है कोई जीप ही गिर गई, चलते चलते कोई जानवर गिर गया, तो उनमें मुंडेर वगैरह है कि नहीं? प्राइवेट भी है तो उसको मुंडेर बनवानी पड़ेगी, ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता। मेरा भाव आप सब समझ गए होंगे कलेक्टर्स, कि आगे भविष्य में फिर से इंदौर जैसी घटना ना हो उसको रोकने के संपूर्ण उपाय आप कीजिएगा। तो मैं समझता हूं कि चीज आपके ध्यान में आ गई है, क्योंकि हम कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहते जिसके कारण कोई दुर्घटना हो।